Let us discuss about the course outline. We have got industry proven practices which cater to the different job market needs, and इसका बुनियादी मकसद ही यह है कि आप अपनी वर्क पैटर्न्स में कैसे एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं, इफेक्टिवनेस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, एमएस एक्सेल तो है ही है, मतलब इस तरीके से भी होता है कि यू लिव एंड ब्रीथ, सांस लेना भी एक्सेल हो जाता है, बिकॉज सुबह को आप ऑफिस में आते हैं, एक्सेल की शीट खुलती है, कोई ना कोई डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, और जब आप ऑफिस से ऑफ कर रहे होते हैं उस वक्त लैपटॉप जब शट डाउन हो रहा हो तो उस वक्त भी आखिरी एप्लीकेशन जो है वो एमएस एक्सेल की हो रही होती है. I am not saying this across in sub jobs में ऐसा हो रहा होता है, लेकिन majority of the jobs में यही हो रहा होता है कि MS Excel का ही आगाज होता है और MS Excel से ही इख्तिताम होता है दिन का. तो ये इतना important tool है हमारी जिंदगी में. अब लेकिन important time ये आ चुका है कि हम उसको इस तरीके से use करें कि MS Excel से maximum उनके जो features है उसमें से benefit लें, because बहुत सारे features तो हमें पता ही नहीं. कितने सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, मैं अपनी रिपोर्टें बना रहा होता हूं और फिर मैं रियलाइज करता हूं ये रिपोर्ट तो सिर्फ 10 मिनट में बन सकती थी, जिसके ऊपर मैं आधा घंटा लगा रहा हूं या एक घंटा लगा रहा हूं या बाजों का तो पूरा दिन लगा रहा हूं. अब मिसाल के तौर पे आगे चल के आपको ट्रेनिंग में कवर कराया जाएगा एडवांस्ड फिल्टर का ऑप्शन. एडवांस फिल्टर का ऑप्शन कितना अमेजिंग है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, किस तरीके के और भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस तरीके के डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, जो कि सारे डेमो में कवर कराए जाएंगे. इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग आउटकम्स. पहली चीज जो हम इसमें कवर करेंगे वो है कि लेवरेज अपॉन द टूल्स एंड फंक्शंस, बिकॉज देखें हमें अगर टूल्स एंड फंक्शंस ही समझ में नहीं आए तो फिर एमएस एक्सेल की सीखने का क्या फायदा. तो हम पहले तो फोकस करेंगे टूल्स एंड फंक्शंस पे, उनको सीखेंगे, then you'll be able to represent data by highlighting different trends in pivot table. Pivot table के बगैर तो MS Excel मतलब आप समझे बिल्कुल अधूरी है. Pivot table से एक बहुत ही pivotal, बहुत ही एक एक लिहाज से बोला जाए कि एक बहुत ही significant feature है हमारी इस training का. और obviously MS Excel में जब आप pivot tables में आ जाते हैं तो आपकी डेटा जो है ना वो इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, अदरवाइज जो है ना डेटा को कोई सेंस नहीं बन रहा होता, लेकिन आप जब पिवट टेबल्स यूज करते हैं तो डेटा का सेंस बनना शुरू हो जाता है कि हाँ इसकी एनालिसिस जो या पिवट चार्ट्स जब आप बनाने शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स मेकिंग. सो हाउ टू कन्वर्ट अ डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, पिवट टेबल्स आपको बहुत ही अच्छा एक टूल है जो कि उसमें हेल्प करता है. देखें आजकल साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, हमारा डेटा जो है वो गलत हाथों में चला जाए, मिसयूज हो जाए, कोई हमारी डेटा को चुरा के कोई उसमें से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डेटा सिक्योरिटी फीचर्स को भी सीखें और उसमें जो है वो कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम अपनी वर्कशीट को कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो हम कुछ सर्टेन ऑडियंस को कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं और नहीं दिखाना चाहते. मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है वो देखे, बाकी 4 डिपार्टमेंट उस डेटा को ना देखें. रिपोर्ट एक ही है लेकिन मैं उस एक ही रिपोर्ट में सर्टेन सेट एक ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ, सर्टेन सेट एक अलग ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ. तो वो कैसे कर सकता हूँ, बाय पुटिंग दीज पासवर्ड के फीचर्स या वर्कशीट में जो फीचर्स हम डाल देते हैं डिफरेंट, वो कैसे ले सकता हूं ताकि मैं अपनी जो है ना डेटा को सिक्योर कर सकूं ओवरऑल. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डैशबोर्ड्स, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें डैशबोर्ड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं. हमारे जो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं ये उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा डिमांड आती है कि भाई वी नीड टू सी अ डैशबोर्ड, क्योंकि सारी बिजनेस की जो डिसीशन मेकिंग है वो सारी अब डैशबोर्ड्स पे जो है ना मूव हो गई है. तो इससे जो है ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि आपकी टाइम सेविंग हो जाती है, बिकॉज वजह इसके कि आप पूरी डेटा कॉलम्स और रोज में देख रहे हो, उन कॉलम रोज को आप डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके सिंगल स्नैपशॉट में देख सकते हैं और बिजनेस के डिसीशन इफेक्टिवली ले सकते हैं. कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं बगैर प्रेजेंटेशन के वो अधूरा ही है,
तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू लिंक डिफरेंट एक्सेल के डैशबोर्ड्स इनटू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपने एक्सेल पे डैशबोर्ड तो बना दिया, लेकिन उसको फिर पावर पॉइंट पे कैसे लेकर जाना है और उसके ऊपर कैसे आपको प्रेजेंट करना है टू दी हायर मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट, तो ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो आपको न सिर्फ एक्सेल में कमांड दे रहा है बट एक्सेल के साथ साथ प्रेजेंटेबिलिटी पावर पॉइंट में जो कैसे करनी उसको भी कवर करा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ डिटेल्ड डेमो कि हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या उसमें जो है वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और सबसे अहम बात हर चैप्टर में आपको लगेगा कि यार ये तो प्रैक्टिकली मेरे साथ मसला हो रहा है, इस मसले का हल तो मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। तो आप हर चैप्टर में हर मॉड्यूल में आपको लगेगा कि एक बिजनेस इशू होता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं थ्रू दिस एक्सेल ट्रेनिंग, बिकॉज आपको पास डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनको जो है ना आप जब तक सीखेंगे नहीं और हम उसको कोशिश करके आपको पूरा प्रैक्टिकल जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक आपको जो है ना उसका बेनिफिट नहीं हो सकेगा सही तरह। तो ये सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकली रिसर्च ओरिएंटेड बनाए गए हैं और आपको जो है ना वर्किंग एफिशिएंसीज की तरफ लेकर जाए, इसका बुनियादी मकसद यही है सारे मॉड्यूल्स का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस सुमेरा गौरी को कि यहाँ से जो है वो फर्दर जो हमारे चैप्टर्स हैं मॉड्यूल्स उनका चैप्टर प्रीव्यूज प्रोवाइड करें। थैंक यू मिस एंड ओवर टू यू। मॉड्यूल वन जो है हमारा उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस। देखिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए सबसे पहले उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले जो है हम जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन को डिस्कस करेंगे। वर्ड एक्सेल से हम स्टार्ट लेंगे, फिर हम 2003 से पर आएंगे कि 2003 की विंडो कैसी थी, 7 की कैसी थी, फिर रिबन का कॉन्सेप्ट आया था, रिबन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्प्रेडशीट और वर्कबुक में डिफरेंस सीखेंगे, ऑफिस बटन को डिस्कस करेंगे 2007 में कैसा था, फिर वो 10 में कैसा हुआ, 13 में, 16 में, 19 में, 2021 में कैसा हो गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल जो है उसमें हम क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको लोग बहुत कम जानते हैं कि व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार, हम क्विक एक्सेस टूल बार को सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत से नए फीचर्स को सीखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा टूल है, ऐसी बार है जो कि नॉर्मली अच्छे यूजर्स को भी इसके बारे में नहीं पता होता। ये देखिए टाइटल बार है, इस टाइटल के बार के साथ एक छोटा सा एरो है, इसके अंदर ये क्विक एक्सेस टूल बार छुपी बैठी है जिसमें जब आप मोर कमांड्स पे जाते हैं तो आपको ज्यादा कमांड्स मिलती है, जब उसको कॉल करते हैं तो इसमें लिखा होता है कमांड्स नॉट इधर है, यानी जो आपका रिबन है इसमें बहुत सी कमांड्स ऐसी हैं जो रिबन का पार्ट नहीं है जो इसमें मेंशन है, हम इन कमांड्स को यूज करना सीखेंगे इन डिटेल। उसके बाद जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगी, जिसमें छोटी सी मैंने कुछ चीजें ली हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कैमरा टूल सीखेंगे, इसी तरह से जो है इसमें हम ऑटोकरेक्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हो तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं एनबीपी लिखूं तो पूरा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो होता है नॉर्मली सामने लेकिन एक्सेल में नहीं होता, तो वो हम सीखेंगे कि हम कैसे सामने लेकर आएंगे। ईमेल का ऑप्शन सीखेंगे, स्पीक सेल्स का सीखेंगे कि मैं डेटा एंटर करती जाऊँ तो मेरा सेल जो है वो स्पीक करके बताए कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो सारे जो है एक एक्सेस टूल बार की हेल्प से सीखेंगे। एक हमारे पास पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमें क्या देखना है, अपने एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना सीखना है। उसके बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल जो होगा, सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत अहम चीज है। होम टैब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है आपके पास वो है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम होम टैब पे आते हैं तो यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम स्टार्ट करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग से। देखिए अगर आपने गौर किया हो तो यहां पर भी मैंने सम किया हुआ है,
क्योंकि यहाँ भी मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है कि मैं इन दो सेल्स को सम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ मैं जब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो यहाँ डॉलर साइन अप्लाई किया हुआ है जो कि सभी को अप्लाई करना होता होगा। ये बिल्ट इन आपकी करेंसी सिंबल्स है, लेकिन यहाँ पर सम नहीं देता। हम ये जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ तो सम आ रहा है, यहाँ सम नहीं आ रहा। इसी तरह से बहुत से फीचर्स है जो बिल्ट इन नहीं है एक्सेल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रही हूँ मुझे केजीज में वैल्यूज दिखानी है, मुझे जो है केजीज में वैल्यूज दिखानी है या अपनी सेंटीमीटर में वैल्यूज दिखानी है, या पाकिस्तान में हमारे यहाँ पीकेआर यूज नहीं होता, पीकेआर बिल्ट इन है लेकिन रुपीज बिल्ट इन नहीं है। मुझे रुपीज लगाना किसी वैल्यूज के साथ तो मैं कैसे लगाऊंगी, ठीक है, मैनुअली हमने नहीं लिखना है। क्योंकि अगर मैं रुपीज मैनुअली लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने डॉलर साइन इसके अंदर मैनुअली एंटर किया है। इसमें डॉलर साइन, जब आप फॉर्मूला बार में जाएं तो देखिए डॉलर साइन आपको नजर आ रहा है, ये मैनुअली एंटर हुआ है। ये डॉलर साइन जो ये मैनुअली एंटर नहीं हुआ है, ये तो सिंबल एंटर इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये इस वजह से फॉर्मूला बार में नजर नहीं आ रहा आपको। इसी वजह से यहाँ इसने कैलकुलेशन अलाउ कर दी, लेकिन वो डॉलर साइन जो मैंने मैनुअली एंटर किया था वहां कैलकुलेशन अलाउ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सिंबल्स जो भी डालने हैं वो इसको एज अ फॉर्मेटिंग डालने हैं, मैनुअली नहीं डालने। इनको मैनुअली कैसे हटा, हमने टोटली डिसाइड कर लिया इसको मैनुअली एंटर नहीं करना। अब इनको हमने कैसे एज एन फॉर्मेटिंग नंबर करना है वो हम चीजें सीखेंगे। एक सिंबल्स तो आपके पास बिल्टन है, और जो बिल्टन नहीं है वो कस्टमाइज करना है, वो आप कैसे सीखेंगे। बहुत अहम टूल है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिग डेटा को डील करते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके पास आ रही है जिनको आपने शो करना है, तो अपनी लार्ज नंबर्स को डील करने के लिए हमने उनको थाउजेंड्स में, मिलियंस में या बिलियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वो सीखेंगे, या एक ही वक्त में अपनी तमाम वैल्यूज को थाउजेंड्स में, मिलियंस में या बिलियंस में कैसे रिप्रेजेंट करूं ये सीखेंगे, एक ही क्लिक के ऊपर सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, वो आपकी नंबर फॉर्मेटिंग थी, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास है सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि आप वो सेल्स हाईलाइट करके लाओ जो कि ग्रेटर देन 7000 है। मैनुअली करना बहुत मुश्किल है, हम एक क्लिक के ऊपर इसको हाईलाइट करना सीखेंगे कि सेल्स ग्रेटर देन 7000 है उसको हाईलाइट कर लो, या वो लोग जो टॉप 100 सेल्स कर रहे हैं उनको एक क्लिक पे हाईलाइट करके दिखा दें, तो हम वो सीखेंगे। उसके बाद डेटा बार्स है हमारे पास, डेटा बार्स का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि डेटा बार्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सेल्स को जो है वो पैटर्न के फॉर्म में दिखाना चाह रही हूँ, उसको हम सीखेंगे। कलर स्केल्स और आइकन स्टाइल्स, ये भी इसी तरह का है कि सर्टन वैल्यूज जो हाई वैल्यूज उनको टिक दिखा दे, जो लो वैल्यूज उनको क्रॉस दिखा दे। इसी तरह टेंडर शीट आपने अगर कोई बनाई मैनुअली और आप चाह रहे हैं कि जहाँ मैं पी लिखूँ वहाँ ग्रीन आ जाए, जहाँ मैं एल लिखूँ वहाँ लीव मार्क येलो आ जाए, और जहाँ एबसेंट हो वहाँ पर मैं क्या करें इसको राइट कमा कर दें। तो ये जो है इस तरह की हम अटेंडेंस शीट, मैंने खुद प्रैक्टिकली शीट्स अपने फील्ड के लोगों को बनाई, उनको एरिया मैनेजर्स को दी, उन्हें इसके ऊपर लोगों की अटेंडेंस मार्क करके दी, उसका हमने बाकायदा कैलकुलेशन की। हम यहाँ पर ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम इस अटेंडेंस शीट्स को फॉर्मूला एंड फंक्शंस में लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम इनकी काउंट करना सीखेंगे कि प्रेजेंट लीव वगैरह पे कैसे काउंट करेंगे, इसकी डिडक्शन कैसे बनाएंगे, वो तमाम चीजें सीखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि आपने वो सेल्स हाईलाइट करें जहां उसके टारगेट से ज्यादा उसने सेल किए, तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और वहां पर हम न्यू रूल्स पे जाकर लास्ट ऑप्शन आता है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू बी फॉर्मेट, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कहलाती है, और ये इस तमाम जो बाकी का काम है वो मैं आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से सिखाऊंगी। कि फॉर एग्जाम्पल ये मैनुअली करें बहुत मुश्किल काम है, एक जमाना था कि हमने इन चीजों को मैनुअली किया है कि अगर मेरी सेल्स ग्रेटर देन टारगेट हो रही है उसको हाईलाइट करना है, बहुत मुश्किल काम है अगर हम इसको मैनुअली करने बैठे, लेकिन एक क्लिक के ऊपर आपको मिल जाएगा ये हाईलाइट किया हुआ। इसी तरह से मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि नहीं आपने जो सेल्स 50% ऑफ टारगेट भी हो रही है उनको हाईलाइट कर लो, क्राइटेरिया थोड़ा हल्का रख लिया कि भाई जो लोग 50% ऑफ टारगेट भी सेल्स कर रहे हैं उनको हाईलाइट कर दो, हम ये चीजें सीखेंगे। उसके बाद हाईलाइटिंग रिकॉर्ड्स है, यहाँ मैंने एक ड्रॉपडाउन बनाई हुई है, आप ये ड्रॉपडाउन बनाना सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जोसेफ को सिलेक्ट कर रही हूँ तो जोसेफ की सेल्स को हाईलाइट कर दे, लॉरेंस को सिलेक्ट करूँ तो लॉरेंस की सेल्स हाईलाइट कर दे, पूरे पूरे रिकॉर्ड जो है वो हाईलाइट कर दे।
अब हम यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और मल्टीपल क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर जो है सेल्स को हाईलाइट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जोसेफ की वेस्ट रीजन में या जोसेफ की जो है वो नॉर्थ रीजन में सेल्स दिखा दें या लॉरेंस की नॉर्थ रीजन में सेल्स दिखा दें, तो इस तरह से जो है हम ये इसको हाईलाइट करना सीखेंगे। देखिए रिपोर्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एनालिसिस दो तरह की होती है, एक लॉन्ग फॉर्म होती है और एक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग हमारे पास होती है। लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है, तो ये चीजें लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग में आती है, लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस में आती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कॉलम्स को और अपनी जो है रॉस को हाईलाइट्स करना सीखेंगे कि जो है फॉर एग्जांपल जोसेफ है मेरे पास और जोसेफ में मैं जो कॉलम रख रही हूँ वो रख रही हूँ अपना सेल्स का, वो कैसे हाईलाइट होगा हम ये सीखेंगे। उसके बाद जो है मल्टीपल मजीद आगे कि मैंने कहा लॉरेंस की नॉर्थ रीजन में जहाँ सेल्स मेरी ग्रेटर देन 4000 हो रही है, ये जोसेफ में ले लेती हूँ लॉरेंस की जगह, जोसेफ की सेल्स जहाँ मेरी क्या हो रही है रीजन मैंने वेस्ट रख लिया जहाँ सेल्स मेरी ग्रेटर इक्वल्स टू 4000 हो रही है उनको हाईलाइट कर ले। तो मल्टीपल हम ऑप्शन जो है वो सीखेंगे यहाँ पर हाईलाइटिंग के हवाले से। इसके अलावा भी हम फर्दर जो है वो आगे जाएंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग मल्टीपल तरीकों से और मजीद अप्लाई करेंगे। ये थी हमारे पास एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल 3 हमारा है व्हाट इफ एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी व्हाट इफ एनालिसिस फॉरकास्टिंग के लिए यूज होती है ज्यादातर। इसमें हम गोल सेट सॉल्वर ऑप्शनल है आपके पास, डेटा टेबल्स और इसी तरह से सिनेरियो मैनेजर, ये हम इन तीनों पे काम करेंगे। ये हमारे पास तीनों टूल जो होते हैं वो डेटा फॉरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा टूल है ये, डेटा फॉरकास्टिंग के हवाले से बहुत यूजफुल है और इंशाल्लाह ताला आप जब इसको बैठेंगे पहले तो उसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी होती है कि फॉरकास्टिंग क्या है, हमारी डिफरेंट मेथड होते हैं फॉरकास्टिंग के उनको सीखेंगे। वर्किंग विद लिस्ट ये भी बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, ये सारे डेटा मैनेजमेंट टूल्स में आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच यहाँ सिस्टम मैंने चेंज किया है तो इसमें लिस्ट भी होगी। अब देखिए आप चाहें कि यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रॉपर बता दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगी यहाँ पे मैं कंट्रोल ये मैं यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट लिखूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो मुझे जितने भी डिपार्टमेंट के जो मेरे नेम है वो ड्रैग होकर मुझे डिपार्टमेंट के नेम मिल जाए, तो वो हम इस तरह की कस्टम लिस्ट बनाना सीखेंगे या एम्प्लॉय लिस्ट बनाना सीखेंगे। ये लिस्ट जो है आपके पास बिल्ट इन होती है, कुछ लिस्ट जो है वो आप अपनी खुद बना सकते हैं। वो बिल्ट इन लिस्ट आपको कहाँ मिलती है, जब फाइल में जाते हैं और मोर में जाके ऑप्शंस पे जाते हैं, बाकी लोगों के पास डायरेक्ट नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, तो यहाँ पर एडवांस में जाके क्योंकि अंदर की चीजें इनको प्रैक्टिस करनी होती है, तो यहाँ पर जाके आपके पास होता है एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पर आप दो ऑप्शन होते हैं कि या तो लिस्ट आप टाइप करो या इम्पोर्ट करा दो। तो हम कैसे लिस्ट को इम्पोर्ट कराएंगे, यहाँ पर देखिए ये आपके सिस्टम में मौजूद है, ये लिस्ट आपके सिस्टम में मौजूद है। अगर मैं प्ले लिखूंगी तो मैं ड्रैग करूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें बैलेंस वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कस्टम लिस्ट हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद जो है कस्टम लिस्ट का आई थिंक पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। कस्टम लिस्ट वो लिस्ट होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपनी बनाते हैं, जो सिस्टम में बिल्ट इन है वो बिल्ट इन है, लिस्ट में एक्चुअली शो हो रहा है ये सिस्टम की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो इसको हमें सिस्टम की लाइब्रेरी में बांधना आता है। फिल्टर, फिल्टर सबको नॉर्मली यूज करना आता होगा, अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, हम अपनी ट्रेनिंग में फिल्टर को यूज करके सीखेंगे और एडवांस फिल्टर यूज करना जी। डेटा एनालिसिस में फिल्टर यूज करना सीखेंगे, हम एडवांस फिल्टर यूज करना सीखेंगे और इसको जो है मैक्रोस की मदद से जो है डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें होता है ये कि इसमें मैक्रोस मैंने बनाई हुई है, इसकी मैक्रोस की मदद से मैंने इसको क्या किया, डायनेमिक किया है। एडवांस फिल्टर क्या होता है, देखिए जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर एक्चुअली आपके अनरिक्वायर्ड डेटा को जो होता है वो जस्ट हाइड कर देता है। एडवांस फिल्टर ऐसा नहीं होता, आप एडवांस फिल्टर बेस्ट टूल है आपकी डेटा एनालिसिस का। मैंने कहा कि मुझे जोसेफ की सेल्स दिखा दो, कौन से रीजन में दिखा दो, ये ड्रॉप डाउन बनाना भी आप लोग सीखेंगे, वेस्ट में दिखा दें जिसकी प्रोडक्ट जो है कौन सी है, फॉर एग्जांपल रिपीट जू। तो मैं कह रही हूँ पहले मैंने इसको क्लियर करा और मैंने अब ये रिपोर्ट जो है इसकी कौन है, जोसेफ वेस्ट रिपीट जू की, उसने रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर दी। ये लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग कहलाती है, हम ये बनाना सीखेंगे।
इसके अलावा जो है लॉन्ग फॉर्म, ये डेटा, ये आपका एडवांस फिल्टर है और लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग कहलाती है। ऑडिटिंग वर्कशीट, वर्कशीट की ऑडिटिंग है, इसमें हम डेटा वैलिडेशन रूल सीखेंगे जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दी, ड्रॉप डाउन जो बनी हुई वो डेटा वैलिडेशन की ऑडिटिंग वर्कशीट के टॉपिक है। डेटा मैनेजमेंट टूल्स, डेटा मैनेजमेंट टूल्स पे हम सबसे पहले सॉर्टिंग से स्टार्ट लेंगे। इसमें मल्टी लेवल सॉर्टिंग हम सीखेंगे, सॉर्टिंग बाय कलर, सॉर्टिंग बाय वैल्यू, सॉर्टिंग बाय जो है फॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट तरह से हम सॉर्टिंग सीखेंगे क्योंकि नॉर्मल लोग जो है वैल्यूज से सॉर्टिंग जानते हैं लेकिन बाय नंबर्स या जो है उसको बाय कलर्स नहीं जानते। सब सॉर्टिंग पे बेस करती हुई एक रिपोर्ट बनती है जो कि सब टोटल रिपोर्ट कहलाती है। वन क्लिक के ऊपर आपके बॉस ने कहा कि मुझे जो है एक समरी बनाकर दे दें ऐसी जिसके अंदर आपके पास क्या हो, जहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो उसकी सैलरी सम हो के ये सैलरी का एवरेज आ जाए और इसके अलावा जो है मुझे इसकी तमाम डिपार्टमेंट की समरी भी मिल जाए। वन क्लिक के ऊपर आपको एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉलम, आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एक कॉलम के अंदर एम्प्लॉय का सरनेम और दूसरे कॉलम एक ही कॉलम में एम्प्लॉय का सरनेम और नेम मौजूद है। आप चाह रहे हैं इसको ब्रेक करना तो एक हम ऑप्शन यूज करेंगे कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉलम, हम इसको करना सीखेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज को अपने डेटा से रिमूव करना सीखेंगे। फ्लैशफुल ऑप्शन होता है, इसको हम यूज करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को मिलाने का एक ऑप्शन होता है जो कि एक क्लिक के ऊपर हमें तमाम जो है वो डेटा हमारा फिल हो जाएगा, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद जो है ये था हमारा डेटा मैनेजमेंट टूल्स। डेटा मैनेजमेंट टूल्स के बाद जो है आपके पास है कंसोलिडेट, कि हमारा डेटा जो है वो कंसोलिडेट होकर जो है वो एक जगह आ जाए। फॉर एग्जांपल तीन आपके पास ये डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल ये छोटा सा डेटा लिया है, आपके पास तीन अलग अलग जगहों पर डेटा है, आप चाह रहे हो कंसोलिडेट होकर एक ही जगह पर आ जाए तो ये कंसोलिडेट होकर एक जगह पर आया हुआ है। तो इस तरह का जो डेटा है हमें इसको कंसोलिडेट करना सीखना है कि मुख्तलिफ ईयर्स में, आप देखिए यहाँ पर ईयर भी जो है वो यहाँ पर 2010 नहीं है, यहाँ पर 10 है। तो मुख्तलिफ अगर प्रोडक्ट एम्प्लॉय है या प्रोडक्ट ए बी सी है उन डिफरेंट को हम कैसे कंसोलिडेट करेंगे, हम वो तमाम चीजें सीखेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, और अगर डेटा कंसोलिडेशन के ऊपर प्रॉपर किसी को काम आ जाए यकीन करेंगे, बड़ा बड़ा जो मसला है ना आपके जो लोग पेट के रिलेशनशिप बनाते हैं बड़े मुश्किल टाइम खेलते हैं बहुत आसानी से काम हो जाता है। जी जी, अच्छा उसके बाद हम एक्सेल टेबल्स पे काम करेंगे। देखिए वो लोग जो बेसिक लेवल के लोग हैं उसके बाद एडवांस लेवल पर आना चाह रहे हैं जो कि पावर बी आई है, तो ये ध्यान में रखिएगा जब तक आपको एक्सेल टेबल पे अच्छा काम नहीं आता, एक्सेल टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग पावर बी आई की तरफ नहीं आ सकते क्योंकि पावर बी आई में जितना भी डेटा जाता है वो एक्सेल टेबल की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो हम एक्सेल टेबल पे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं यहाँ पर एक्सेल टूल लिखा हुआ है, टेबल टूल लिखा हुआ है ऊपर, तो ये टेबल टूल जो है एक्चुअली सारा ये सारा क्या है आपका डेटा, ये शो करता है कि ये अब आपका एक्सेल टेबल में चला गया है। इस एक्सेल टेबल में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, तमाम ऑप्शन को हम यूज करना सीखेंगे। अपने टेबल का नाम कैसे देंगे, इसमें कैसे स्लाइसेस इंसर्ट करेंगे, तमाम ऑप्शन जो है इनको हम सीखेंगे। इस एक्सेल टेबल की हेल्प से जो है हम फिर एक और चीज सीखेंगे, वो होगी हमारे पास पिवट टेबल। पिवट टेबल डेटा समराइज करने का एक बेहतरीन टूल है एक्सेल के अंदर, पिवट टेबल। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सीखेंगे, वर्टिकल एनालिसिस सीखेंगे, इस एक्सेल पिवट टेबल कैसे जनरेट होगा, ये मेरा डेटा है कितना लंबा चौड़ा डेटा, इस लंबे चौड़े डेटा को मैं क्या कर रही हूँ अपना जो है समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाह रही हूँ। तो उस समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका है पिवट टेबल। एक क्लिक के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे आप चाह रहे हैं वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, अभी तो देखते हैं कि छोटी सी चीज है लेकिन इसमें इतनी इतनी कहानियां हैं कि दो दो तीन हमारे जो है वो बाज़ुका पिवट टेबल पे लग जाते हैं। इसी पिवट टेबल को यूज करते हुए एक्सेल के अंदर सबसे आसान तरीका है डैशबोर्ड क्रिएट करने का, वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल से पिवट चार्ट बनाए जाते हैं, पिवट चार्ट से फिर डैशबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं जो कि हम इसी इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो चार्ट्स पे काम करेंगे। चार्ट्स से रिलेटेड हमारी प्रेजेंटेशन होगी, हम चार्ट्स पे काम करेंगे, हम 2D चार्ट से स्टार्ट करेंगे। 2D चार्ट्स बनाएंगे पहले, 2D चार्ट्स कहलाते हैं जो सिंपल हमारे चार्ट, 2D चार्ट्स, ये 2D चार्ट्स बनाएंगे। और इसके अलावा जो है अपने इन नेम को जो है ना टाइटल को किसी सर्टेन नेम से जो इससे सेल से लिंक करना भी सीखेंगे। इसके अलावा जो है हम 3D चार्ट बनाना सीखेंगे, 3D चार्ट कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने लिंक किया हुआ है, ठीक है।
इसको हम चेंज ये सीखेंगे। बाद लोग डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के अंदर बाद अवकात हमें एक सेल के अंदर चार्ट बनाना पड़ता है, तो वह हम वन सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे एक क्लिक के ऊपर, कि वन सेल चार्ट क्रिएशन टूल है। ठीक है, ये हमने एक सेल के अंदर चार्ट बनाया हुआ है, इस रीजन ए बी सी तीन डिफरेंट रीजन है, तीन डिफरेंट रीजन का मैंने तीन डिफरेंट तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। ये सिर्फ एफ थ्री है सेल मेरा, उसके एक सेल के अंदर चार्ट बना हुआ, तो हम ये चीज सीखेंगे। फिर हम एडवांस चार्ट्स पर आएंगे। एडवांस चार्ट्स में हम पांच तरीके से चार्ट्स बनाना सीखेंगे, जिसमें नंबर वन होगा कॉम्बिनेशन चार्ट, कि मैं एक चार्ट चाह रही हूँ एक बार की शक्ल में आ जाए और दूसरा जो है वो लाइन की शक्ल में आ जाए, ये कॉम्बिनेशन चार्ट कहलाता है। सेकेंडरी एक्सेस चार्ट बहुत पॉपुलर है, लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है कि अगर मैंने अपनी वैल्यूज को नंबर्स में भी दिखाया हो, परसेंटेज में भी, तो एक मैं चाह रही हूँ एक जगह परसेंटेज आ जाए, एक जगह नंबर्स आ जाए, तो हम ये सेकेंडरी एक्सेस चार्ट कहलाते हैं। हम ये सीखेंगे, वाटरफॉल चार्ट बनाना सीखेंगे, थर्मोमीटर चार्ट बनाना सीखेंगे, इसी तरह एक रडार चार्ट होते हैं, हम ये रडार चार्ट बनाना सीखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर चार्ट का हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल सिक्स जो स्टार्ट होगा, फॉर्मूला एंड फंक्शन, क्योंकि एक्सेल की जान है, एक्सेल दुनिया में जो मशहूर है सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की वजह से मशहूर है, तो कैलकुलेशन के अंदर हम ये सारे फंक्शन हैं, ये मैं आपको एक्सेल में ही बता देती हूँ कि हम कौन कौन से फंक्शन सीखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला में आगे फॉर्मूला ये टैब है, जब हम फॉर्मूला में आगे क्लिक करेंगे तो लॉजिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन में हम 15-20% जो है फंक्शन सीखेंगे, इसमें जो है हमारे पास लॉजिकल में हम 100% सीखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, टेक्स्ट में तकरीबन 80-90% हम फंक्शन सीखेंगे। इसी तरह से डेट एंड टाइम में 80-90% हम जो है फंक्शन कवर करेंगे। लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप बहुत मशहूर है, इंडेक्स मैच बहुत मशहूर है, लुकअप भी एक फंक्शन है, उसको भी हम सीख लेंगे, जो है ऑफसेट फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन, ये तमाम फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन में अच्छा एक एक फंक्शन दो दो तीन तीन तरीके से अप्लाई भी होता है, लोगों की बात नहीं पता होती, इंडेक्स एंड मैच है का फंक्शन दो दो तीन तीन तरीके से अप्लाई होता है, वीलुकअप का फंक्शन तीन तरीके से अप्लाई होता है, हम वो तमाम फंक्शन सीखेंगे। इसी तरह मैथ में जब हम आते हैं तो हमारे पास राउंड है राउंड अप है, राउंड डाउन है, ये तमाम फंक्शन दो दो तीन तीन तरीके से अप्लाई होते हैं, हम उन तमाम फंक्शन को सीखेंगे। सम इफ एल्स बेहतरीन फंक्शन है आपका, इससे पूरे पूरे डैशबोर्ड क्रिएट किए जा सकते हैं, उसके बेसिस पे चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, हम इस फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। और मोर फंक्शंस के अंदर हम जब यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ आएंगे, स्टैटिकल फंक्शन पे हम काफी काम करेंगे, जैसे रैंक हो गया आपका, मैक्सिमम या मिनिमम में तमाम फंक्शन हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में करेंगे। फंक्शंस के साथ एक चीज को हम और कवर करेंगे, वो का नेम मैनेजर, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है नेम मैनेजर की, लोग इसके बारे में नहीं जानते, ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है, इस नेम बॉक्स के बेसिस पर ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, छोटा सा खाना है ना, लोग उसको नहीं इतना जानते, लोग फार्मूला फंक्शन में रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, कि मैं सम का फॉर्मूला लगा रही हूँ इक्वल साइन सम, तो मैं सम के फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक रेंज सेलेक्ट करूंगी, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करने के बजाय मैं क्या कर रही हूँ, इस रेंज का मैं नाम दे दूंगी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेल्स दे दिया मैंने नाम इसका, तो मैं यहाँ पर दूसरा सेल्स थोड़ी मैं लगा दूंगी, तो इक्वल साइन सम, सम मैंने किया, ठीक है, ब्रैकेट सेल्स के नाम से मैंने एक सेल्स के नाम से मैंने एक बनाया था और मैंने एंटरप्रेस कर दिया, तो मैं इसको अब रेंज सेलेक्ट करने के बजाय नेम सेलेक्ट करके काम करूंगी, इसको फॉर्मूले में कैसे मजीद कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे फर्दर अप्लाई किया जाता है, इसको एक क्लिक के ऊपर मेरे डेटाबेस में 10-12 कॉलम्स है, मैं क्या एक एक का जाके नाम बनाऊ, नहीं, मैं एक क्लिक के ऊपर नेम क्रिएट करना सीखूंगी। तो ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला फॉर्मूला एंड फंक्शन के ग्रुप पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, फॉर्मूला एंड फंक्शन पे काफी टाइम लगेगा। उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल 7 है वो है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में हम स्टार्ट लेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, कि मेरी फाइल को ओपन ही ना कर सके, दूसरा कि मेरी फाइल को ओपन तो कर ले लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, तीसरा कुछ चेंजेस तो कर ले लेकिन सर्टेन एरिया पे कर सके, पूरे पे ना कर सके, ठीक है, ये तमाम चीजें सीखेंगे कि हमारे शीट टैब कैसे हाइड हो जाएंगे, ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में सीखेंगे। मॉड्यूल 8 के अंदर हमारे पास है एडवांस एप्लीकेशन ऑफ कमेंट्स। देखिए मेरे साथ सीन ही हुआ था, जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं जॉब करती थी, मैंने एक अप्रेजल फॉर्म बनाकर उनको दिया, तो अप्रेजल फॉर्म पे मैंने जब उनको बनाया तो उन्होंने कहा यहाँ पर लोगों को बाय नेम मैं नहीं जानता इतना, क्योंकि प्लांट के लोग थे काफी ज्यादा लोग थे, उन्होंने कहा मैं बाय नेम नहीं जानता, बाय फेस जानता हूँ, उन्होंने कहा मुझे हर बंदे के नाम के साथ पिक्चर डाल के दूँ, यानी जब मैं उस बंदे के नाम पर जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बंदे का नाम लिखा हुआ था, मैं कहा आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो उसका अप्रेजल फॉर्म आ जाएगा, वो कह लेंगे कि नहीं मुझे इस बंदे का जो नाम है एक्सपर्ट जो भी है मुझे इसके नाम के साथ पिक्चर डाल के दो, तो मैंने उनको इस तरह कमेंट्स में जाके सबकी पिक्चर्स डाल के दी, तो वो खुश हो गए,
और यू कांट इमेजिन कि मेरा 70% इंक्रीमेंट बहुत होता है, मेरा 70% इंक्रीमेंट, नॉट 1770, 70% मेरा इंक्रीमेंट हुआ था सिर्फ क्योंकि मैं एक्सेल की बहुत अच्छी यूजर था। तो माशाल्लाह से अब इसकी शेप कैसे चेंज होंगी, वही क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर हम इसको चेंज करना सीखेंगे, पिक्चर डालना सीखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो लोग डैशबोर्ड सिर्फ एक्सेल के अंदर रहते हुए बनाते हैं, डैशबोर्ड पावर व्यू में भी बनते हैं, डैशबोर्ड आपके पावर बीआई में भी बनते हैं, डैशबोर्ड अगर पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी बनते हैं, डैशबोर्ड आपके टेबलो में भी बनते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एक्सेल में बनाना चाहते हैं डैशबोर्ड और वहां किसी चीज का आपने लिंक दिखाना है, रेफरेंस दिखाना है, तो आप इसकी हेल्प से दिखा सकते हैं ना। कमेंट्स में जाकर आपने पिक्चर को किसी बैलेंस शीट का रेफरेंस देना, फॉर एग्जाम्पल आपने उस बैलेंस शीट की पिक्चर बना ली और उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये टूल हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, देखने को छोटी सी चीज है लेकिन है बड़ी कारामद। तो हम इसका डैशबोर्ड बना सकते हैं। मॉड्यूल नाइन के अंदर हम डैशबोर्ड बहुत इसकी प्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह से डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड के क्या प्रिंसिपल्स हैं, डैशबोर्ड के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए, ये तमाम चीजें हम सीखेंगे। हम डैशबोर्ड दो तरह से बनाएंगे, एक पिवट टेबल से बनाएंगे पहले और एक फॉर्म कंट्रोल से बनाएंगे। तो फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है, ये बटन बनाना, ये बटन क्या होता है, ये कॉम्बो बॉक्स बनाना, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉपडाउन बनी हुई है ये हमारे पास आ जाए, इसी तरह से आपके पास है चेक बॉक्स बनाना या मेल लिखा फीमेल लिखा ये चेक बनाना, स्क्रीन बटन बनाना, ठीक है, ये आपके पास बटन है यहाँ पे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये यहाँ आपके पास जो है ये वैल्यूज जो है मैं इस बटन की हेल्प से चेंज कर रही हूँ, ठीक है, ये आपका स्पिन बटन है, लिस्ट बॉक्स है आपका, ठीक है, लिस्ट बॉक्स बनाना, ऑप्शन बटन बनाना, ऑप्शन बटन है मैं इसको जो है 11 12 कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, इसी तरह ग्रुप बॉक्स है, इस तरह आपकी बार बनाना है। तो ये तमाम चीजें जो है आप लोग बनाना सीखेंगे, इसको यूज करते हुए आप एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ये कहलाता है आपका फॉर्म्स कंट्रोल ऑप्शन। फॉर्म्स कंट्रोल ऑप्शन बनते हैं डेवलपर टूल से, यहाँ आपके पास नहीं है, डेवलपर टूल को हम पहले एक्टिव करना सीखेंगे, उसको एक्टिव करने के बाद उससे हम फॉर्म्स कंट्रोल बनाना सीखेंगे, उन फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डैशबोर्ड है, तो मैं एक डैशबोर्ड बना रही हूँ, प्लांट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड, इसका डेटा बेस देखें आप कितना हैवी है, इतना हैवी इसका डेटाबेस है, और इस पूरे डेटाबेस का इतना शॉर्ट फॉर्म में एक डैशबोर्ड बनाया, और यकीन करें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई यहाँ पर। ये 2011 का है गया डेटा, जून में का रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, आपकी वजह से डिस्प्ले नहीं करा, तो आपके पास ये 2012 के नवंबर का रिकॉर्ड है। इसी तरह दो प्लांट्स का कंपेरिजन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ कि अगर प्लांट नंबर 3 का कंपेरिजन मैं 1 से दिखा रही हूँ, तो ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, तो क्लियर ऑल करना है तो मैं क्लियर ऑल भी कर सकती हूँ, यहाँ पे अभी इनेबल नहीं हुई है, आपके पास मैक्रो से नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपके ये फॉर्म कंट्रोल से पूरा बना हुआ है डैशबोर्ड। मैंने आपसे कहा था एक्सेल पर रहते हुए हम दो तरह से डैशबोर्ड बना सकते हैं, एक फॉर्म कंट्रोल की मदद से। फॉर्म कंट्रोल से जो डैशबोर्ड बनते हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन जो डैशबोर्ड पिवट टेबल की हेल्प से बनते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे पिवट टेबल की हेल्प से, ये मैंने पिवट्स की हेल्प से मैंने डैशबोर्ड बनाया है जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो ये देखिए आपके डैशबोर्ड बना हुआ है पिवट टेबल को यूज करते हुए, ठीक है, ये डैशबोर्ड है आपका। तो इंशाल्लाह ताला इसमें डैशबोर्ड आप यकीन करें ये मैक्सिमम आपका 10 मिनट लेता है, 10 मिनट के अंदर आपके डेटा का डैशबोर्ड बन गया, क्या टेंशन आपको, यानी आपका बॉस अच्छा इंक्रीमेंट दे सकता है अगर आपने ये टूल सीख लिया तो, ठीक है। लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, हम पावर बीआई का कंप्लीट तो नहीं लेकिन हम इसकी मेजर जो है एरियाज को कवर करेंगे। हम पावर यहाँ तक तो बात थी वो एक्सेल की थी, हमारी जो लास्ट क्लास होगी इस कोर्स की वो पावर बीआई से रिलेटेड टूल्स की, उसमें हम पावर क्यूई करेंगे, पावर पिवट करेंगे। देखिए हम जब एक्सेल की बात करते हैं एक्सेल ये हमारे साथ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना पावर पिवट, अगर आप घर में अपने खोलेंगे तो ये पावर पिवट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पावर पिवट जो है आपका, ये पावर पिवट में हम काम करना शुरू करेंगे। ये डेटा में जब आप जाते हैं तो डेटा में जाने के बाद आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्म और एक कनेक्शन गेट यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है पावर क्यू, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अपना एक डेटा ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने अपना डेटा ओपन करा, जब मैं इसको ओपन करती हूँ और जाकर मैं एक्सेल टेबल पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा डेटा एक और नई विंडो पे चला जाएगा। ये जो आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है एक्सेल की स्क्रीन है, तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा ये स्क्रीन क्या है, आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। इस डेटाबेस में मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आकर मैंने इसको कहा फ्रॉम टेबल,
मैंने आपसे कहा ये जो है ये पूरा डिस्प्ले पावर क्यूबी का है, इसमें मैंने जब क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद ही इसको एक और विंडो में ले जाता है, जो इस एक और विंडो में ले गया वो उसकी क्या कहलाएगी, ये देखिए मेरे पास ये एक्सेल टेबल की फॉर्म में रही था, इसको पहले एक्सेल टेबल में कन्वर्ट किया और इसको लेके जा रहा है, बाजू का जिसको ये एरर दिखा रहा होगा, बाद इसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन बाजू का जिसको ये एरर दिखाते हैं, ये देखिए नई विंडो में आ गया, ये आपकी पावर क्यूरी, इस पावर क्यूरी पे हम काम करना सीखे, ठीक है। उसके बाद हम इस पावर क्यूरी के बाद हम मल्टीपल डेटाबेस पे, हम मल्टीपल डेटाबेस के ऊपर जाकर काम करेंगे, उनके दरमियान थोड़ा बहुत रिलेशन पार्टनरशिप बनाना सीखेंगे, वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, पावर पिवट कहलाएगी, हम थोड़ा सा काम पावर पिवट पे करेंगे। उसके बाद जो है हम आएंगे उस पावर पिवट की हेल्प से, हम पावर पिवट की हेल्प से हम डैशबोर्ड बनाएंगे, उस आदित्य में आपको हम ये पावर पिवट के अंदर हम किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तीन हमारे पास डेटाबेस है, इन तीनों डेटाबेस का आपस में लिंक बनाना सीखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, इसका हम रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे और उस रिलेशनशिप की बेस करते हुए हम इससे एक डैशबोर्ड बनाएंगे, तो ये डैशबोर्ड एक क्लिक के ऊपर बन जाएगा हमारे पास इंशाल्लाह। लास्ट जो होगा हमारे पास पावर व्यू होगा, इसमें थिंक पावर व्यू इंस्टॉल नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ, तो पावर व्यू की हेल्प से जो है हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास जो हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा एक्सेल मैक्स ऑफ एक्सेल की स्क्रीन से, जो कि मैंने आपको इनिशियली बात बताया कि अगर आप जब तक किसी सॉफ्टवेयर में अच्छा काम उस तक नहीं कर सकते जब तक उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड ना करें, यहाँ पावर सिल्वर लाइट इंस्टॉल नहीं है इस वजह से ये नहीं रन हुआ, तो हम पावर व्यू में जो है एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट यहाँ पे जो हमें बताए हैं कि हम जो एक्सेल में रहते हुए सीखेंगे, लास्ट क्लास होगी हमारी उसमें पावर बी आई का, हम जो समझने के एक शॉर्ट समराइज फॉर्म में पावर बी आई के टूल्स सीखेंगे, पावर बी आई के जो चार टूल्स होते हैं हमारे, पावर क्यूरी, पावर मैप, पावर व्यू और पावर पिवट। तो हम इंशाल्लाह ताला इन चारों पे से थोड़ा थोड़ा काम करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।